Hello everyone, welcome back to Java Treepoint. This is Alok Pandey and today we will talk about assignment operator in Java. So abhi tak hum logo ne logical, relational, arithmetic duniya bhar ke operators already dekh chuke hain, unary, binary do ke dono dekh chuke hain. Aaj hum dekhne wale hain assignment operator. To chalo dekhte hain, chalte hain sabse pehle Oracle documentation ke andar aur check karte hain ki kya kya hai assignment operator ke andar. एंड इसमें कुछ यहाँ पे देख सकते हो, Oracle खुद का डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे, आप देख सकते हो सबसे ज्यादा रिलायबल डॉक्यूमेंटेशन इनका ही होता है. और यहाँ पे देख सकते हो प्लस प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू, एंड इक्वल टू, एक्सोर इक्वल टू, और इक्वल टू, लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू, राइट शिफ्ट, दुनिया भर के इक्वल टू है यहाँ पे. जिसमें से इतना जो पार्ट है ये तो हम तब देखें जब हमारा बिटवाइज ऑपरेटर हो जाएगा तब, लेकिन उसके पहला का जो यहाँ तक का पार्ट है ये हम अभी देख लेते हैं और इस वीडियो में यही देखने वाले हम लोग. तो एक्चुअली ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, सिंपली एक वर्ड असाइन. असाइन का मतलब क्या था, किसी को कुछ चीज असाइन कर देना, नहीं दे देना. तो सिंपल एक वेरिएबल ले लिया, सपोज इंट ए ले लिया आपने, अब उसके अंदर कुछ वैल्यू डाल रहे हो, तो वैल्यू डालना ही मतलब असाइन करना है. तो असाइनमेंट ऑपरेटर आप समटाइम्स किसी भी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके डालते हो एंड समटाइम एज इट इज असाइन कर. जैसे मैंने लिया ए, ए के अंदर मैं कुछ टर्म डाला तो ठीक है एज इट इज मैंने असाइन कर दिया, लेकिन जब मैं लिखता हूँ ए उसके सामने फिर से एक सिंबल देता हूं, चाहे माइनस, सब्ट्रैक्शन, कोई भी हो सकता है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई भी सिंबल हो सकता है, तब मैं इक्वल टू लिखता हूं. इसका मतलब क्या है, इसमें जो वेरिएबल आएगा वो मल्टीप्लाई होके, खुद से मल्टीप्लाई होके तब आएगा. जैसे मैंने लिख दिया ए इक्वल टू ए इंटू इक्वल टू ए, अब इसमें क्या हो रहा है, ए खुद से मल्टीप्लाई होके तब इसके अंदर असाइन होगा. ये मैं बताता हूँ कैसे करना है, इससे शायद आपको समझ में नहीं आएगा. तो चलो अपने नोटपैड में चलते हैं, नोटपैड प्लस प्लस में, एंड यहाँ पे सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं एंड देन उसके अंदर हम वैल्यूज को असाइन करते हैं, असाइन करके चेक कर लेते हैं. तो सिंपल क्लास, क्लास का नाम लेते हैं, सपोज हमने सैंपल, जनरली मैं सैंपल ही बनाता हूँ क्लास का नाम क्योंकि हम सैंपल प्रोग्रामिंग ही कर रहे हैं फिलहाल. एंड यहाँ पे पब्लिक, हाँ पब्लिक, हाँ स्टैटिक void main, void main, एंड इसका पैरामीटर स्ट्रिंग है आरजीएस. मुझे नहीं पता आपको ये पैरामीटर क्यों पास करते हैं, आपको पता है कि नहीं, नहीं पता है तो मैं आगे के वीडियोज में बताने वाला हूं आपको एंड उसको डिटेल में बताऊंगा. उसके साथ साथ मैं पब्लिक बताऊंगा स्टैटिक void main क्यों है, कैसे है, ये नहीं होता तो क्या होता, होता है तो क्या होता है. फिलहाल अभी हमें बेसिक पढ़ना है तो बेसिक पे ध्यान देते हैं. यहाँ पे सैंपल वन भी दे सकते हैं, अब चलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड अब यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल बना लेता हूँ, सपोज मैंने बनाया इंट ए, इंट ए एंड कॉमा बी, दो वेरिएबल बना लेता हूँ. इसके अंदर कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, ए इक्वल टू 45 कॉमा कॉमा नहीं सेमी कॉलन एंड बी इक्वल टू समथिंग, बी इक्वल टू अब अगेन 45 या फिर समथिंग एल्स, बी इक्वल टू 23 डजंट मैटर. एंड यहाँ पे मैं डालता हूँ एक सिस्टम डॉट रिटर्न प्रिंटलन, मैसेज प्रिंट करने के लिए एस वाई एस, एस कैपिटल में होना चाहिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सेमी कोलन. एंड अब मैं यहाँ पे वैल्यूज असाइन करूंगा, मैं सपोज ए को प्रिंट करता हूँ या फिर मैं एक सी वेरिएबल लेता हूँ, उसके अंदर वैल्यूज असाइन करूंगा एक एक करके, समझ में आएगा ज़्यादा. एंड यहाँ पे सी इक्वल टू ए, सबसे पहले प्लस इक्वल टू करते हैं, तो सबसे पहले प्लस इक्वल टू समथिंग, सपोज जो भी ए ले लिया तो मैं ए ले लिया, ठीक है. सेव कर देता हूँ पहले इसे, डेस्कटॉप पे जावा नाम का फोल्डर होना चाहिए जो कि नहीं होगा, होगा ओके है, तो यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं. यहाँ पे हम डाल देते हैं इसका फाइल सैम्पल जो कि ऑलरेडी शायद हो, हाँ यहाँ पे है सैम्पल, तो सैम्पल डॉट जावा एंड जस्ट सेव इट, सेव, रिप्लेस कर देता हूँ क्योंकि पहले ऑलरेडी सैंपल पड़ा हुआ था. सो दैट्स इट. एंड अभी सीएमडी भी ओपन कर लेते हैं, सीएमडी पाथ वगैरह सेटिंग आपको आई होप पता ही होगा, कुछ बताने जैसा है नहीं. सो कमांड प्रॉम्प्ट एंड लेट्स गो ओवर देयर. जावा सी करने की जरूरत नहीं, हमने ऑलरेडी देखा है कि हमने ग्लोबल पाथ सेट कर दिया है परमानेंट पाथ, तो मुझे बार बार करने की जरूरत नहीं है. मैं सिंपली टाइप करूंगा सीडी, मैं जाऊंगा उस फोल्डर के अंदर जहां पे हमने फाइल अभी अभी सेव किया है, वो है सीडी डेस्कटॉप के अंदर, डेस्कटॉप स्लैश उसके दूसरा फोल्डर का नाम है जावा, तो जावा के अंदर एंटर कर दो. अब कंपाइलेशन करना है तो उसके लिए कमांड है जावा सी यानी जावा कंपाइलेशन, एंड देन फाइल का नेम है सैम्पल, एक्सटेंशन है डॉट जावा, राइट. सो सिंपली जस्ट एंटर इट, ओके.
सो कंपाइलेशन हुआ एंड जैसे ही कंपाइल होगा एक हमारा फाइल जनरेट होगा जो कि आपको पता है डॉट क्लास फाइल एंड यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल सी बनाया नहीं और डायरेक्ट यूज कर रहे हैं तो ये एरर आएगा तो पहले वो बना लेते हैं. हाँ सो यहाँ पे जाओ एक int यहीं पे कॉमा करके सी बना सकते हो या फिर यहाँ पे डाल दो कॉमा सी जस्ट सेव इट एंड लेट्स चेक इट अगेन जावा सी कंपाइल ओके अगेन सी माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड सी अभी असाइन इनिशियलाइज नहीं हुआ है और मैं उसके अंदर असाइन करने जा रहा हूँ तो इसके अंदर मैं डाल देता हूँ सिर्फ इक्वल टू जीरो सेव बता दो ये सब क्या चल रहा है. ओके अभी रन हो गया एंड इसके पहले रन नहीं हो रहा था ये बहुत बड़ी चीज है. हम पहले भी असाइन ही करने जा रहे थे जब मैंने इक्वल टू जीरो लिखा तो भी असाइन ही कर रहे थे लेकिन बाद में वापस जब हम कर रहे हैं तो मुझे एरर आ रहा है. ओके एक और एरर है यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS एरे है और हमने एरे डालना भूल गया. ओके सॉरी फॉर सिली मिस्टेक्स. ओके सी इक्वल टू जीरो अभी देखो जो हम नॉर्मली असाइन करते हैं वैल्यू को जब मैं किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करता हूं और वो वेरिएबल अगर लोकल है तो बिना असाइन किए उसको हम यूज नहीं कर सकते मुझे तुरंत एरर आएगा जावा के अंदर कि वेरिएबल इज नॉट इनिशियलाइज्ड जैसे मुझे इसके पहले आया था. जैसे मैं यहाँ पे अगर इक्वल टू जीरो निकाल देता हूँ और इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ देखो सी प्लस इक्वल टू जीरो लिख रहा हूँ अगर मैं ये चीज निकाल दे तो मुझे कुछ एरर नहीं आएगा मैं सेव करता हूँ क्योंकि मैंने ऑब्वियसली यहाँ पे यूज किया तो भी एरर आएगा तो ये सी निकाल देता हूँ एंड सेव करते हैं एक बार फिर से कंपाइल कर लेते हैं जावा सैंपल डॉट जावा रन किया कोई इशू नहीं है क्योंकि मैंने उसको यूज ही नहीं किया है. लेकिन अगर मैं इसी सी को यूज करूं मैंने वेरिएबल तो बनाया है लेकिन मैं इसे यूज करने जाऊं यहां पे सी प्रिंट कर दूं यूज करने है मैं तो उसके साथ कुछ काम करना चाहे उसे प्रिंटिंग ही करो चाहे उसे इंक्रीमेंट करो डिक्रीमेंट व्हाटएवर जो भी कर रहे हो आप तो मैं अब इसे वापस जाके सेव करके रन करता हूं कंपाइलेशन. अब देखो मुझे एरर क्या आ रहा है सी माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड इसका मतलब क्या है जितने भी लोकल वेरिएबल होते हैं लोकल वेरिएबल का मतलब वो होता है जो किसी फंक्शन के अंदर स्पेशली बनाए गए होते हैं जैसे हमारा इंट एबीसी है अभी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर है ध्यान दो एंड ये वेरिएबल को अगर हम मैन्युअली इनिशियलाइज नहीं करते मतलब उसको कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन नहीं करते हैं तो हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे और मुझे एरर दे देगा. यही चीज अगर ग्लोबल होता ग्लोबल यानी ये क्लास लेवल वेरिएबल यहां पे होते तब मुझे कोई जरूरत नहीं थी इनिशियलाइज करने के लिए लेकिन अभी ये लोकल है इसलिए मुझे इनिशियलाइज करना पड़ेगा. ठीक है सो फिलहाल अभी सी के अंदर एक वैल्यू डाल दो इक्वल टू जीरो इनिशियलाइज मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ 10, 20 कुछ भी मैंने जीरो से इनिशियलाइज किया है. अब असाइनमेंट ऑपरेटर हमें देखना था असाइनमेंट में हमने देखा कि उसमें टोटल 4 से 5 ऑपरेटर हम देखने वाले हैं यहां तक का 5 ऑपरेटर टोटल ये वाला. सो उसमें से पहला था इक्वल टू ही हम देख रहे हैं जैसे हम कुछ वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर राइट जैसे हमने अभी यहां पे किया तो यही तो है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर. अब प्लस के साथ अगर वही यूज करने जाते हैं तो हम ऑपरेशन भी कर रहे हैं एंड साथ साथ असाइन कर रहे हैं पहले ऑपरेशन हो रहा है फिर असाइन हो रहा है इसलिए इसमें और प्लस इक्वल टू में डिफरेंस है. अगर मैं इसको इनिशियलाइज नहीं करता और यहां पे फिर मैं प्लस के साथ असाइन करने की कोशिश करता हूं जैसे मैं यहां पे करने जा रहा हूं सी इक्वल टू सी प्लस इक्वल टू सॉरी सी प्लस इक्वल टू ए अब मैं क्या कर रहा हूं ए के वैल्यू को ऐड करके असाइन करने जा रहा हूं जो कि सी के साथ है. सी के अंदर जो कुछ भी रहेगा वो ऐड होएगा फिर असाइन होगा. ठीक है एंड अभी मैं 45 आंसर डालने जा रहा हूं यहां पे देखो कितना सिंपल सा मुझे वापस वही सेम एरर आने वाला है. मैं कंपाइल करता हूं यहां पे देखो एंड मुझे फिर से वही एरर आ रहा है सी माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड जबकि हम यहां पे इक्वल टू पास कर रहे हैं तो असाइन होना चाहिए था ना ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि यहां पे प्लस मैंने पहले लगाया है प्लस का मतलब ये हो गया कि ये कुछ इस तरह से वर्क करने वाला है सी इक्वल टू सी प्लस ए राइट तो यहां पे जब ऑपरेशन हो जाएगा सी प्लस ए मतलब सी के अंदर कुछ है नहीं है तो उसके साथ आप क्या ऐड करोगे कुछ नहीं राइट तो आपको मैनुअली इनिशियलाइज करना कंपलसरी है. तो यहां पे आप में समझ में आया होगा कि किस तरह से काम करना है तो पहले उसे इनिशियलाइज कर दो नहीं तो एरर आएगा. ठीक है यही चीज अगर आप सिर्फ असाइन करते तो कुछ नहीं होता. अगर मैं सिर्फ यहीं पे डाल देता लाइक सी इक्वल टू ए तो मुझे शायद एरर नहीं आएगा एक बार चेक कर लेते हैं इसे ऑब्वियसली नहीं आएगा क्योंकि मैं यहां पे सिर्फ असाइन करने जा रहा हूं. एक होता है प्लस के साथ असाइनमेंट करना एंड एक होता है हमारा सिर्फ असाइन करना दोनों अलग अलग हो. अभी मैं इसे कंपाइल करता हूं वापस कंपाइलेशन डन अब कोई इश्यू नहीं आ रहा सिर्फ इक्वल टू के साथ करते 45 आ भी गया एंड अगर मैं इस तरह से करता हूं तब मुझे खाली एरर है. मैं अब यहां पे जीरो डाल देता हूं दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन तो इनिशियलाइजेशन वहां पे भी कर सकते थे यहां पे भी कर सकते दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता. सेव करो एंड अब जाके इसे रन करो प्रॉपर हमारा कंपाइलेशन होना चाहिए और एग्जीक्यूट भी होना चाहिए वापस मुझे आंसर आना चाहिए 45 गॉट.
सो दैट्स ऑल, ये प्लस के साथ था, तो इसमें जीरो जीरो सी के अंदर है, ए के अंदर 45 है, दोनों को ऐड किया तो 45 ही आएगा ऑब्वियसली। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो हमारा प्लस के साथ था, सेम अगर मैं अब माइनस के साथ करूं इक्वल टू बी ले लेता हूं, चलो इस बार मैं बी लेता हूं, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी ले सकते हो, यहां पे इक्वल टू आएगा। ओके माइनस इक्वल टू, सेव करो, बी का वैल्यू 23 है एंड मुझे यहां पे आंसर क्या आएगा, जीरो माइनस बी कितना होता है, बी के अंदर 23 है तो जीरो से हाँ, सो इसे चलो रन करते हैं, प्लस माइनस सिंबल भी ध्यान देना आपको, कंपाइल करो एंड इसे रन करो, 22 क्यों, ओके ये ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं कुछ माइनस करने जा रहा हूं, अभी यहां पे क्या था हमारा, सिर्फ मैं सिर्फ माइनस करके देखते हैं, देखो मैं जीरो के साथ अगर माइनस करूं, जीरो यहां पे देखो मैं सिर्फ लिखता हूं सी इक्वल टू जीरो माइनस 23 या फिर बी डाल देते हैं, बी का वैल्यू कितना है, बी बी सेमी कोलन सॉरी कैप्स लॉक में नहीं, बी कैसे है तो ये ध्यान दो, सेव करो एंड जाके इसे कंपाइल करते हैं, दैट इज समथिंग जावा सी एंड हियर इज अगेन सेम प्रॉब्लम, कैनॉट फाइंड सिंबल सी, हमने अच्छा यहाँ पे कैपिटल हो गया, सिर्फ ये सी निकाल दो, सी स्मॉल में कर दो, सेव, ओके सो इसे कैपिटल में कर दो एंड अब इसे सेव करते हैं एंड वापस जाके इसे रन करते हैं, सेव, लेट्स चेक इट अगेन, जावा सी कंपाइल, कैपिटल में था इसलिए एरर आया था लास्ट टाइम एंड अब इसे रन करते हैं, माइनस 23 में एक्चुअल वैल्यू आ रहा है, देखो माइनस 23 में आ रहा है एंड यही चीज अगर जब हम इस तरह से लिखते हैं प्लस माइनस, देखो मैं नेक्स्ट लिखता हूँ वापस कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ माइनस इक्वल टू एंड क्या बी बी डाल रहा हूँ माइनस इक्वल टू बी एंड अब यहाँ पे मैं एक बार फिर से एक्चुअली मैं वहाँ पे सी प्रिंट कर रहा था यहाँ पे, हाँ ठीक है मैं यहाँ से वापस प्रिंट करता हूँ सी, ठीक है सी ही रहने दो और इसे कमेंट कर देते हैं क्योंकि हम देखो ना सी के अंदर ही कर रहे हैं वैल्यू को, हम असाइन कर रहे हैं सी के अंदर, इसके पहले हमने प्लस किया हुआ है, सी के अंदर वैल्यू क्या रहेगा जो प्लस हो चुका ऑलरेडी वो, तो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ एक बार एंड सी इक्वल जीरो अब एज इट इज रहने देते हैं एंड अब इसे रन करते हैं, पहले का दोनों कमेंट कर दो, सेव करो एंड अब कंपाइल करते हैं वापस रन करते हैं, माइनस 23 गॉट, तभी 22 क्यों आ रहा था क्योंकि हम लोगों ने पहले प्लस किया था ना उसमें से माइनस हो रहा था, समझ रहे हो ना, अब उसे कमेंट करो तो हमारा आराम से क्या आ जाएगा, यप 23 माइनस 23 क्योंकि जीरो से माइनस करो तो क्या आएगा 23 आएगा, सेव, हाँ सो इस तरह से वर्क करता है, सेम चीज अगर मैं दूसरा करने वाला हूँ तो वो होगा हमारा मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, तो असाइनमेंट कुछ इस तरह से काम करने वाला है, तो ये आप शॉर्ट में इस तरह से भी लिख सकते हो, काम दोनों का एक ही मतलब है, चाहे आप इस तरह से लिखो जो यहाँ पे लिखा हुआ है चाहे इस तरह से लिखो, दोनों का मतलब ऐसा ही है, ठीक है सो सेम, ओके सो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मल्टीप्लीकेशन एंड यहाँ पे डाल देता हूँ मैं स्लैश डिवीजन एंड वापस एक और लेता हूँ कंट्रोल वी, ये हो जाएगा हमारा मॉडुलस, ओके एंड अब इसे कॉपी कर लेते हैं हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी एंड वापस यहाँ पे कंट्रोल वी, सो हाँ बस एक ही चीज ध्यान देना यहाँ पे, अगर आप मल्टीपल ऑपरेशन कर रहे हो एक साथ तो सबका वैल्यू बार बार अलग अलग चेंज होने वाला है, अगर मैं इस तरह से करता हूँ तो आप इस तरह से कर सकते हो, ऑब्वियसली 45 डिफॉल्ट वैल्यू है ए का, फिर हमारा 23 हो रहा है बी का एंड सी का वैल्यू जीरो है, तो यहां से स्टार्ट करो वापस, ए प्लस जीरो करोगे तो 45 आने वाला है, मतलब मुझे यहाँ पे 45 आने वाला है, अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट सी माइनस बी करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, सी माइनस इक्वल टू बी करेंगे तो b का वैल्यू 23 है, माइनस करेंगे 0 से माइनस 23, अब मल्टीप्लीकेशन करने जा रहे हैं, हाँ यहाँ पे माइनस 23 कैसे आएगा जबकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे जब प्लस किया था तो उसका वैल्यू कितना था 45 था, अब 45 में से आप 23 निकालोगे तो कितना आएगा 22 आएगा, तो यहाँ पे आएगा सेकंड वाला 22 आएगा, ठीक है यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 22 एंड वापस यहाँ पे तो हमारा क्या था, यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर 45 एंड वापस अब C के अंदर कितना है हमारा 22, अब C को मल्टीप्लाई करना है किससे, B से, B का वैल्यू अभी कितना है 23 23 इंटू 22
आंसर जो भी आया इसका देख लेते इसे रन करके. सो 22 जितना भी आंसर आता है देख लेते कंपाइलेशन करके, कंपाइल करके एंड रन करके. सो यहाँ पे रन कर दिया और वो आंसर आया हमारा 506. गॉट 506 आया. एंड वापस अब सी के अंदर कितना है 506 यहाँ पे आ गया आंसर. तो कमेंट 506. अब नीचे आ जाओ 506 से डिवाइड करो हमारा बी, बी का वैल्यू कितना है 23. वापस डिवाइड करोगे तो मुझे आंसर क्या आएगा 22 आएगा. तो वापस आ जाएगा हमारा 22. गॉट. एंड वापस मॉडुलस अगर मुझे निकालना हो सी के अंदर वैल्यू कितना है 22 मॉड बाई 23. इसका आंसर क्या आएगा, अभी हमने कंपाइल किया तो क्या आया था 22. रिमाइंडर जो बचता है वो मॉडुलस होता है हमारा. हाँ तो मेरा एज इट इज प्रिंट होने वाला है. ठीक है सो दैट्स इट. सो वी गॉट द ऑल आंसर्स. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. एंड इसमें अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछो, और सबको समझ में आया हो तो अच्छी बात है. एंड ज़्यादा समझ में आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. दैट्स ऑल.